नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी यानी प्रवक्ता भर्ती 2021 के बारे में, जिसका संशोधित विज्ञापन अभी हाल ही में जारी हुआ है। इसमें पीजीटी का नोटिफिकेशन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। A to Z जो भी जानकारी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट मुझे लगता नहीं रहेगा, फिर भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर सारी चीजें आपको हम बता रहे हैं इसी वेबसाइट के में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। इस वेबसाइट पर आने के लिए आप UPSC SSB डाल सकते हैं गूगल पे, या फिर हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जा सकते हैं governmentjobcenter.com। यहाँ पर आएंगे आपको लिंक मिल जाएगा UPSC SSB PGT 2021 ऑनलाइन फॉर्म। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दी गई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करना है या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप कर पाएंगे। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया। इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 16 मार्च से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं और आप लोग इसमें 11 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 15 अप्रैल तक फाइनल सबमिट फॉर्म को कर सकते हैं। वैकेंसी की संख्या 2595 है। इतनी वैकेंसी पिछली बार भी थी जब दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था अक्टूबर में, यानी वैकेंसी को कम ज्यादा नहीं किया गया है, जबकि टीजीटी में पदों को कम कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, इसलिए सावधानी से सारी चीजें आप लोग पढ़ते रहिएगा। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो 2 से 3 विषयों के लिए पात्र होते हैं, तो अगर आप 2 से 3 विषयों के लिए पात्र हैं तो अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में दिया गया, लेकिन परीक्षा अभी तक सिर्फ 2 दिन होती थी, यानी 2 विषय की ही परीक्षा दे पाएंगे। ज्यादा अगर आप इलिजिबल हैं तो कोई मतलब नहीं फॉर्म भरने का, क्योंकि 2 ही दिन इसकी परीक्षा करवाई जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भाषा संबंधी जो बातें हैं, तो वो लिखा है कि भाषा का जो पेपर होगा उसी भाषा में होगा, बाकी सारे पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होंगे। लिखित परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यह शब्दों में शुरुआत में ही उन्होंने बता दिया है। EWS को भी 10% आरक्षण मिलेगा, वो भी चीजें यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दी गई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, उनको भी समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। जो भी चीजें हैं आपको सारी चीजें इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से बताते जा रहे हैं। आप लोग फिर भी आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लिया करें, इससे हो सकता है कोई चीज मिस हो जाए तो वो आपको पकड़ में आ जाए। वैसे कोई चीज मिस होती नहीं, मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ, फिर भी अपने सिक्योरिटी के लिए अपने लिए ज्यादा पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और है जो जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग इसको प्रश्न पूछ रहे थे कि सर, हमने पिछली जो भर्ती अक्टूबर में आई थी उसमें आवेदन कर दिया था, क्या दोबारा से ऑनलाइन आवेदन भरना पड़ेगा, या फिर हमें फीस जो पिछली फीस पेमेंट की थी उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में दिया गया है प्रश्न यहाँ पर प्रथम चरण में, कि जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा क्या आपने पहली बार अक्टूबर 2020 वाले नोटिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन किया था। तो अगर आपने किया है तो वहां पर यस कर देना, नहीं किया तो नो कर देना है। अगर आप वहां पर यस का विकल्प चुनते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वहां पर विकल्प भी दिया गया है कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, दोबारा से वहां पर आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी पर्सनल डिटेल्स के आधार पर रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप वहां पर फॉर्म भर सकते हैं दोबारा से। आपको इसमें फॉर्म फीस जो फीस है वो पेड नहीं करनी पड़ेगी, पिछली फीस इसमें एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, जिस विषय से आपने पहले आवेदन किया था उसी विषय का यहाँ पर आपको फॉर्म भरने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर दोबारा दूसरे विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं तो नया फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आपको फीस पेड करनी पड़ेगी। लेकिन जिस विषय से पहले आपने फॉर्म भरा था उसी विषय से दोबारा से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फीस पेड नहीं करनी है। ठीक है, आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी इसको लेकर के। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अपडेट है जो है फीस को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जनरल यानी सामान्य अभ्यर्थी और जो ओबीसी अभ्यर्थी उनके लिए 750 रुपए है, EWS के लिए और SC के लिए, सॉरी EWS के लिए 650 रुपए है, SC के लिए 450 रुपए है, ST के लिए 250 रुपए है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक को कैटेगरी के अनुसार शुल्क देना पड़ेगा। महिलाओं को भी कैटेगरी के अनुसार ही शुल्क देना है, लेकिन जो PH अभ्यर्थी हैं उनको कैटेगरी की जो फीस लगेगी उसका आपको आधा देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पर और दी गई उनको भी देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम जो
आपको फोटो वगैरह अपलोड करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए। फोटो का जो साइज है 3.5x4.5 होना चाहिए और जिसमें से फोटो को 5KB से 30KB के बीच होना चाहिए। साइन का भी फॉर्मेट दे दिया गया है 3.5x1.5, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो फोटो हो उसमें 70% आपका चेहरे वाला भाग हो, बाकी 30% में आपका दूसरा भाग हो, शोल्डर वगैरह हो, ठीक है। फोटो जो उसका बैकग्राउंड के बारे में बताया गया, सफेद या फिर हल्के ग्रे रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारों पर यानी कान जो है साफ रूप से दिखना चाहिए। चश्मा पहन के फोटो आपको नहीं खिंचाना है, ठीक है। अगर खिंचवाते हैं तो उसमें आंखें जो है आपकी साफ दिखनी चाहिए किसी भी सूरत में। कलर्ड यानी ग्लास का चश्मा आपको नहीं पहनना है। अगर सफेद कांच का चश्मा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आयु वगैरह के बारे में, तो आयु की गणना होगी वो आपकी 1 जुलाई 2021 से होगी। कम से कम 21 वर्ष, मैक्सिमम 60 साल, ठीक है। आवेदन की अर्हता बोला गया कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम डेट है, जिस दिन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, उस दिन तक आपके पास सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो आपका बीएड का हो या टीजीटी उसका का हो या पीजी का हो या जाति प्रमाण पत्र का या निवास प्रमाण पत्र का, सारे डॉक्यूमेंट इस डेट से पहले के होने चाहिए, ठीक है। अपीयरिंग कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये भी यहां पर साफ समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। वेतनमान के बारे में बता दें तो यहाँ पर वेतनमान में जो है वो आपका ग्रेड पे 4800 का, पे लेवल 8 है, 47600 से लेकर के 151100 रुपए आपका ये वेतनमान होगा। जो भी आरक्षण का लाभ है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर कुछ चीजें और हैं। परीक्षा केंद्र देखिए कहाँ कहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र बनेगा, तो जो मंडल मुख्यालय होता है सिर्फ मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, हर जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। परीक्षा के डेट के बारे में कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई, बोला गया कि बाद में हम परीक्षा की डेट जारी करेंगे, ठीक है। संभवतः जून या जुलाई में आपकी परीक्षा हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर भर्ती परीक्षा कैसे संपन्न होगी, क्या एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि इसमें आपकी 85% अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी, यानी कुल मिलाकर के कहें तो 425 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा का मेरा मतलब है बहुविकल्पी प्रश्न इसमें आएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 500 का पूर्णांक कुल मिलाकर के होगा तो 500 का 85% निकालोगे तो आएगा 425 अंक की लिखित परीक्षा होगी। इंटरव्यू जो होगा आपका, इंटरव्यू 10% का होगा, मतलब 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब 50 नंबर का जो इंटरव्यू है उसमें यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि 4% जो अंक मिलेंगे वो आपका सामान्य ज्ञान परीक्षण के आधार पर मिलेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण के अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3%। कुल मिलाकर के अधिकतम 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 5% जो नंबर मिलेंगे आपके वो मिलेंगे विशेष योग्यता के। अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है तो उसका 5% यानी 25 नंबर तक आप बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पर, ये भी नंबर आपके फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे। इस तरीके से देखा जाए तो 425 अंक की लिखित परीक्षा, 50 नंबर का इंटरव्यू और 25 अंक आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन के अगर आपके पास है तो, ठीक है। इतना होगा, 500 के हिसाब से पूर्णांक आपका हो जाएगा। अब स्पेशल योग्यता में क्या क्या यहाँ पर आ रहा है, तो इसके भी यहाँ पर बताया गया कि अगर आपके पास पीएचडी की उपाधि है तो 2% का मतलब होता है 500 का 2% यानी 10 नंबर। अगर आपने एमएड किया हुआ तो एमएड का भी आपको 2% मिलेगा यानी 10 नंबर। अगर आपने बीएड किया हुआ तो बीएड का आपको 5 नंबर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना 2 नंबर और 3 नंबर में कोई एक का ही बेनिफिट मिलेगा, या तो आपने बीएड का मिलेगा या तो फिर आपको एमएड का मिलेगा। अगर आपने बीएड किया हुआ तो बीएड का मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने बीएड और एमएड दोनों का किया तो फिर एमएड का मिलेगा, बीएड का नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट पर्सन है, राज्य स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में भाग लिया तब भी आपको 1% अंक मिलेगा यानी 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारी चीजें स्पष्ट रूप से यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइज करके बता दी गई है कि लिखित परीक्षा 425 अंकों की, साक्षात्कार 50 अंकों का, स्पेशल योग्यता 25 अंकों, टोटल 500 के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी।
अब यहाँ पर लिखित परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना ये। लिखित परीक्षा जो 425 अंकों की होगी, इसमें कुल मिलाकर के आपके पास 125 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके विषय से संबंधित होंगे। एक प्रश्न 3.4 अंक का आपका होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे में पेपर हल करना है, 125 प्रश्न आपके होंगे, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और आपको काले बालपेन से ही गोला काला करना होगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया तदर्थ शिक्षकों के लिए क्या है, तो जो लिखित परीक्षा होगी वो तदर्थ शिक्षकों के लिए आपके लिए दोनों के लिए समान होगी, जितना नंबर उनको मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा, लेकिन तदर्थ शिक्षकों को एक्सपीरियंस का भी यहाँ पर वेटेज मिलेगा, यानी अधिभार भी दिया जाएगा उनको, भारांक मिलेगा जो कि 1 साल का 1.5 अंक मिलेगा और अधिकतम 30 अंक इनको मिलेगा, यानी 20 साल का 30 अंक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया किसी भी हाल में जो आपका मैक्सिमम पूर्णांक है वो 500 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अधिकतम पूर्णांक 500 का ही रहेगा, चाहे तदर्थ शिक्षक हो चाहे नॉर्मल एक फ्रेशर अभ्यर्थी हो। मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट के लिए यहाँ पर बता दिया गया कि मेरिट जो होगा फ्रेश और तदर्थ शिक्षक दोनों के लिए बताया गया कि 500 के आधार पर ही मेरिट बनेगी। कैसे बनेगी, मैंने आपको ऊपर बताया कि लिखित परीक्षा का 425 अंक, साक्षात्कार का 50 अंक, स्पेशल योग्यता का 25 अंक, और अगर आप तदर्थ शिक्षक हैं तो उसमें वेटेज भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जितना आपका वेटेज होगा, लेकिन 500 से ज्यादा आपका पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है। संस्था आवंटन बाद में किया जाएगा, यहाँ पर संस्था आवंटन के बारे में दिया, कॉलेज आवंटन के बारे में, तो ये बाद में होगा जब आप इंटरबिलिटर डाउनलोड करेंगे उस टाइम आपका यहाँ पर जो है कॉलेज चॉइस वगैरह करवाया जाएगा। पीजीटी में इंटरव्यू है, ये बात समझ लीजिए, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें आपका इंटरव्यू है, ठीक है। बहुत से अभ्यर्थी बालक वर्ग बालिका वर्ग में कन्फ्यूज होते रहते हैं, तो यहाँ पर भी इसके बारे में बता दिया कि कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जो है बालिकाओं के विद्यालयों के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन संगीत विषय के लिए अगर नेत्रहीन अभ्यर्थी है तो वो बालिका वर्ग में आवेदन कर सकता है। जो भी महिलाएं हैं वो बालक वर्ग बालिका वर्ग दोनों वर्गों के लिए पात्र, लेकिन एक फॉर्म में एक ही को चुन पाएंगे, या तो बालक वर्ग को चुने या तो बालिका वर्ग को चुने। अब वैकेंसी देख लें कहाँ पर कितना बेनिफिट उनको मिल रहा है, उस हिसाब से आप फॉर्म भरें, चाहे आप बालक वर्ग से फॉर्म भरें या बालिका वर्ग से फॉर्म भरें, महिलाओं दोनों वर्गों के लिए पात्र हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा, यदि किसी कारण से आप एक से अधिक आवेदन पत्र भर देते हैं तो अंतिम वाला आवेदन पत्र माना जाएगा, यानी संशोधन का इसमें कोई भी मौका आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं तो चाहे तो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, पिछले वाले आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे और जो लास्ट में आप आवेदन फॉर्म भरेंगे वो बिल्कुल आपको सही माना जाएगा, उसी पर आपको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि परीक्षाएं जो होंगी वो अलग अलग डेट में करवाई जाएंगी, इसलिए आप अगर दो विषयों के लिए पात्र हैं तो अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, दोनों विषयों का परीक्षा आपको देने को मिलेगा। परीक्षा की डेट जैसा कि मैंने बताया था, परीक्षा की जो सूचना है बाद में दी जाएगी, ठीक है। कुछ और चीजें यहाँ पर लिखा है कि जो अभ्यर्थी अपना नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें उसके बाद ही फॉर्म भरें, बाद में अगर कोई दिक्कत होती तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार आप होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, कोई भी कंप्लेंट है कोई भी शिकायत होती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, हेल्पलाइन नंबर पर आप बात वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के बारे में बोला गया कि महिलाओं जितनी भी हैं उनको पिता पक्ष से निर्गत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। पीजीटी में जाति एवं निवास प्रमाण दोनों के लिए बोला गया, लेकिन टीजीटी का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो टीजीटी में सिर्फ जाति प्रमाण पत्र मांगा गया जो कि पिता पक्ष का होना चाहिए, जाति एवं निवास, ठीक है। ये बोल देख लीजिए यहाँ पर जो महिलाएं उनके लिए विशेष है, लेकिन जो महिलाएं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं उनके लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। चले बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, पदों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या के बारे में बताया गया है, कुल मिलाकर के 21 विषयों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। बालक वर्ग की बात हो रही है यहाँ पर, बालक वर्ग में ये आपके विषय यहाँ पर अवेलेबल है, हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान, तर्कशास्त्र। 2281 पद पुरुष वर्ग के लिए, कुल मिलाकर के टोटल कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों की संख्या दी गई, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे बालिका वर्ग में 19 विषयों पर आवेदन हो रहे हैं, इनकी भी कैटेगरी वाइज पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसमें क्या बीएड लगा दिया गया, तो दोस्तों बीएड नहीं लगाया गया इसमें, आप लोग परेशान ना हो। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जहां पर बीएड लिखा मिल जाएगा आपको, इसलिए आप लोग ऐसी वेबसाइट से दूर रहें, ठीक है। हो सकता है उनको इस चीज के बारे में पूरी जानकारी ना हो, या फिर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। लेकिन हमारी वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो सारी जानकारी जो आपको यहाँ पर दी गई बिल्कुल 100% ओरिजिनल आपको नोटिफिकेशन के अनुसार ही प्रोवाइड की गई। यहाँ कहीं पर भी देखिए आप लोग पीजीटी में बीएड वगैरह की बात नहीं की गई है, नोटिफिकेशन में भी अगर देखें तो पीजीटी में बीएड नहीं मांगा गया है। कुछ लोग इसको देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि वरीमान या अधिमानी आर्ता में बीएड एमएड दिया गया है तो क्या ये कंपलसरी है। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं है तो बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर्म में अगर आप लगा देंगे, अगर आपके पास है मौजूदा हालत में प्रेजेंट में होना चाहिए, अगर आप एपियरिंग में इनमें से किसी में भी हैं तो मत लगाइएगा, उसे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप वर्तमान में आपके पास ये सारी डिग्री हैं या इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप लगा दीजिएगा इसको, इसका जो है अलग से आपको वेटेज मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था 25 नंबर का भारांक जो मिलेगा आपको इन्हीं डिग्री के आधार पर मिलता जब फॉर्म में मेंशन करेंगे। अगर आप फॉर्म में मेंशन नहीं करेंगे तब भी कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, भले ही आपके पास ये डिग्री क्यों ना हो, ठीक है। तो संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए बस, बीएड वगैरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर विषय हैं तो विषय वार अपनी योग्यता देख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो इसका अलग से भी वीडियो हम बना देंगे। वैसे बहुत सारे विषयों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, जैसे पहले था सेम टू सेम वही सारी चीजें हैं। टेट वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही टीजीटी में ना ही पीजीटी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। फिर भी कोई चीज अगर छूट गई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां पर भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बहुत सारे साथी वहां पर जुड़े हुए हैं आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग आवेदन वगैरह कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। अगर आपको सिलेबस वगैरह डाउनलोड करना हो तो यहाँ पर देखिए आपको सिलेबस का भी यहाँ पर लिंक, सिलेबस के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए सिलेबस का भी लिंक प्रोवाइड करा दिया गया, हर विषय का सिलेबस यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का अवेलेबल है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।